यू बैक ऑन करियर काउच विद शुभांकर। दोस्तों, हफ्ते दर हफ्ते करियर के विषय में तो हमने बहुत बातें की, शिक्षा कैसे होनी चाहिए, आप किस तरीके से व्यावसायिक शिक्षा की प्राप्ति करेंगे, कैसे करके आपको नौकरी मिल सकती है, आपका भविष्य कैसा होगा, इन सब की कोशिशें तो लगातार हम करते रहे आप तक। जो सही जानकारी है वो आप तक पहुंचाने की जो हमारी कवायद है वो लगातार हमारी जारी रहेगी। लेकिन कुछ और चीजें हैं दोस्तों, ये पहली बार है कि प्राइम टीवी अब करियर काउच गुरु या करियर काउच का जो प्रोग्राम है इसको हम एक कदम और आगे ले जा रहे हैं, और हमने कुछ अपने साथ ऐसे इंस्टीट्यूट्स का चयन किया है जहां पे कि हम उनके साथ मिलकर आपकी जो क्रिएटिविटी है अंदर, आपकी जो वो जो एक मानसिकता है कुछ नया बनाने की, हम बार बार ये प्रधानमंत्री जी की बात सुनते रहते थे, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भरता, स्किल अप इंडिया। याद है वो जो शेर वाला वो एक इमेज बन के आया था जिसमें कई ठो लीवर्स बने हुए थे, अचानक धीमे धीमे कहीं ना कहीं हमारी याददाश्त उसकी कमजोर होती चली जा रही, हम भूलते चले जा रहे हैं। स्किल इंडिया को थोड़ा और मजबूत होने की जरूरत है, तो चलिए आइए प्रधानमंत्री के हाथों को और थोड़ा सा मजबूती प्रदान करते हैं, और प्राइम टीवी करियर काउच के साथ एक और प्रोग्राम लॉन्च कर रही है जो कि टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट लेके आ रहा है, क्रिएटिविटी यानी आपके टैलेंट का युद्ध, वॉर ऑफ क्रिएशन, वॉर ऑफ क्रिएटिविटी। आज हम जानेंगे कि ये वॉर ऑफ क्रिएटिविटी बेसिकली है क्या, और इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमारे एजुकेशनल पार्टनर पहल इंस्टीट्यूट, जी हाँ पहल इंस्टीट्यूट जिसका नेटवर्क पूरे देश भर में फैला हुआ है, आज उसके डायरेक्टर आज हमारे साथ मौजूद हैं, श्री आबाद अली। हम आज उनके साथ वार्तालाप करेंगे और चर्चा करेंगे कि ये क्रिएटिव स्टार, जी हाँ दोस्तों कान खोल के सुन लीजिए, क्रिएटिव स्टार, वॉर ऑफ क्रिएटिविटी और उसके विषय में क्या है, इसमें बेसिकली ये युद्ध है किस चीज का, जानने के लिए चलते हैं आबाद जी के पास, बात करते हैं आबाद अली, डायरेक्टर पहल इंस्टीट्यूट। आबाद अली जी, करियर काउच के इस प्रोग्राम पे प्राइम टीवी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार मेरा सभी श्रोताओं को। आबाद जी, पहले तो मैं जानना चाहूंगा, आप पहल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, ये बिजनेस आपने आज से तकरीबन शायद एक दशक पहले शुरुआत की और उसके बाद वो बढ़ता चला गया, आज पहल इंस्टीट्यूट का जो फैलाव है ये समस्त देश में पूरा चारों तरफ फैल गया है, क्या है ये पहल इंस्टीट्यूट, क्या कंसेप्ट है, कौन सी तैयारी कराते हैं, क्या कोर्सेस हैं? बिल्कुल दादा, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से पहल एक नाम ही अपने में है कि हमने एक पहल की थी जी। तो ये 1999 में जो हमारे चेयरपर्सन है किरण मैम, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था जिसका नाम पहल रखा था जी। और इसका पर्पज ये था कि लोगों में क्रिएटिविटी को जगाएं, बेसिकली उसका कंसर्न ये कि लोगों को हम एक आने वाले फ्यूचर के लिए तैयार कर पाए, जो डिजाइनिंग से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड और स्किल बेस्ड जितने प्रोग्राम थे उस सबके लिए तैयार कर पाए। तो आज पिछले 22-23 सालों से आप देखेंगे पहल डिजाइन ने ऑलमोस्ट 15-20 हज़ार बच्चे तैयार कर चुके हैं, इंडस्ट्री में जा चुके हैं और अच्छे प्रिपेयर कर चुके हैं। अच्छा, मैंने देखा कि आप लोग शायद NIFT, NID, IIT, सीट के लिए आप लोग इस सब के लिए आप तैयार करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये IIT वगैरह, IIT देखेंगे, IIT बॉम्बे ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, NID ने लिया है और NIFT, ये टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करती है, इनका एंट्रेंस होता है सर जिसकी हम प्रिपेयर कराते हैं। सही बात है दोस्तों, बहुत से बच्चों को तो ये बात पता है लेकिन काफी बच्चों जिनको ये नहीं पता, आपको मैं बता दूं, डिजाइन एक ऐसा कोर्स है जिसके ऊपर आज के दिन में जो करियर ऑप्शंस है वो बहुत वाइड है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है जो बी डिजाइन के जो ग्रेजुएट्स हैं। जब हम बी डिजाइन की बात करते हैं, आप लोग थोड़ा सा, कई बच्चे शायद ना जानते हो, IITs में भी डिजाइन कोर्सेस ऑलरेडी चल रही हैं। यस, इसी के लिए जो मैंने अभी बताया IIT UCET का जो एग्जाम होता है, दैट इज जस्ट फॉर दिस रीजन ओनली। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एंड सबसे जो ताज्जुब की बात यह है कि उसमें सीट्स बहुत कम है और कंपटीशन इसका शायद मेडिकल से भी हाई है। आबाद जी, ये सब बातें जो है कुछ स्टूडेंट्स तक तो पहुंच पाती है जी, लेकिन
क्या रूरल रूरल जगहों से भी आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं, क्या उन तक ये बात पहुंची है, क्या वो लोग भी डिजाइन और प्लानिंग को समझ पाते हैं? जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ये बहुत कम मात्रा में शहरों से बाहर जा पाई है। जो शहर के बच्चे हैं उन्होंने इसको ज्यादातर प्रचुर मात्रा में आगे बढ़ाया है। बिल्कुल सही बात, ये एक बहुत बड़ी जानकारी है जो शायद गांव कूचों में नहीं पहुंच रही। जी जी जी। तो अबा जी कैसे करके, मतलब व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन डिजाइन कोर्स, ये जो बैचलर्स ऑफ डिजाइन है और इसमें इसमें क्या होता है? बेसिकली मैं बताना चाहूंगा, इसमें देखिए जो एंट्रेंस होता है उसका जो बेसिक एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट होती है वो स्केचिंग होती है। स्केचिंग से रिलेटेड जितना भी जो एग्ज़ाम होता है वो उसका मेन फोकस होता है स्केचिंग से बच्चों को शॉर्टलिस्ट करना। अब होता है बैचलर ऑफ डिज़ाइन हो चाहे मास्टर ऑफ डिज़ाइन हो, इन दोनों के प्रोग्राम के लिए जैसे IIT क्या करता है, डोमेन बेस भी लेता है और बिना विदाउट डोमेन बेस भी लेता है। NID भी लेता है, जैसे मास्टर्स में डोमेन बेस लेता है और UG में डोमेन बेस नहीं लेता है, कॉमन प्लेटफॉर्म पे एग्जाम लेता है, और निफ्ट भी यही करता है। तो इन तीनों का अलग अलग प्लेटफॉर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहें फैशन डिजाइनर किसी को बनना है तो वर्ल्ड के टॉप 10 कॉलेजेस में एक NIFT आता है। अब आज माफ करिएगा मैं टोक रहा हूं, होता क्या है कि जब हम डिजाइन की बात करते हैं तो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आती है, फैशन डिजाइन। बिल्कुल सही है। क्या डिजाइन इज ओनली अबाउट फैशन? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस चीज में बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि आप डिजाइन एक ऐसी दुनिया में, ऐसा ही एक स्कोप है दुनिया में जिसमें बहुत कुछ ऑप्शन है। फैशन डिजाइनिंग इसलिए कि लोग जानते हैं फैशन को, लोग ज्यादा कनेक्टेड है। मैं आपको बताऊं कुछ अगर मैं उसके प्रोग्राम बताना चाहूं तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग है, ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, टॉय डिजाइनिंग, गेम डिजाइनिंग, इंटरेक्शन डिजाइनिंग। आज की डेट में जो सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है वो UI UX का है, मतलब यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन और यूजर इंटरफेस डिजाइन का। इसमें मतलब आज की जो टेक्नोलॉजी है वो जिस तरह से फास्ट दौड़ रही है, डिजाइन उसको बराबर पूरा कर रहे हैं। यानी दोस्तों अपने आसपास आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो एक्चुअली एक डिजाइन का हिस्सा है, किसी ने उसको डिजाइन किया, उसके साथ टेक्नोलॉजी बाद में जुड़ती है, उसके बाद वो उभर के आती है और वो यूजर्स तक पहुंच पाती है और फिर हम एक यूटिलिटी निकाल पाते हैं प्रोडक्ट की। बहुत खूबसूरती से आबाद जी आपने ये बात बताई। अब थोड़ा सा मुझे और एक कदम हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो जब हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, डिजाइन की बात करें, क्योंकि अभी हम लोग बात करेंगे जो अभी आपने टैलेंट हंट जो अभी आपने प्लान किया है और उसके साथ, जी हाँ दोस्तों मुझे बताते हैं बहुत बार बार खुशी हो रही है कि करियर काउच और प्राइम टीवी इसके साथ हम लोग इंटीग्रेटेड एक टैलेंट सर्च कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और ये जो प्रोग्राम है दोस्तों ये टेलीकास्ट भी होगा, तो प्लीज तैयार रहिए। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको तक पहुंच रही हैं इसको नोट करें और देखना ना भूलें कंटिन्यूअसली करियर काउच में शुभांकर, ये हर हफ्ते आ रहा है और आप फॉलो करते रहेंगे। आप नीचे दिए गए नंबर को नोट करिए, आप जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की जा रही है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट। अबा जी, टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट हम लोगों ने अचानक ये प्लान किया है। बिल्कुल सर, वन टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट मेरे कान में आ रही है बात की शायद दिसंबर में कुछ होने जा रहा है, बहुत जी, बड़ा, जी, वो बड़ा प्लेटफॉर्म पे हो रहा है जी। लेकिन उसके पहले ये जो अचानक ऑनलाइन जो हमने कॉन्टेस्ट किया, जो वॉर ऑफ क्रिएटिविटी जो आप लाए हैं, ये युद्ध होने किस चीज का है? ये युद्ध होने जा रहा है क्रिएटिव स्टार फाइंड करने के, इन द सर्च ऑफ फाइंडिंग द क्रिएटिव माइंड बेसिकली। तो इसका जो हमने टाइटल रखा है वो क्रिएटिव स्टार रखा है। इसका पर्पस बेसिकली है कि हम कुछ सेक्टर्स में लोगों की प्रतिभाओं को जानेंगे और उनको उसमें ही उसका आगे करियर के इसको बताएंगे। ओके, अच्छा, तो जब हम क्रिएटिव की बात करते हैं तो क्या क्रिएटिविटी तो हर चीज में हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल 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 गाना भी गा सकता है, नाचना भी आ सकता है। बिल्कुल, तो क्या इसमें क्या गाना नाच गाना सब होगा? नहीं सर, इसमें कुछ हमने सेगमेंट रखे हैं ताकि ये एक अच्छी लीग में जाके जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो इसका पहला सेगमेंट है वो स्टार्टअप इंडिया के ऊपर रखा है हमने। अरे हाँ, जिसमें बच्चा जो है जितने भी मतलब जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इनके पास कुछ स्टार्टअप आइडियाज हैं उसको प्रेजेंट कर सकते हैं वीडियो फॉर्मेट में। मतलब जितने भी ये ऑनलाइन कॉन्टेस्ट है सर ये वीडियो फॉर्मेट में ही होगा जी। तो दोस्तों मैं आपको बार बार ये बात बता दूं, ये जो वीडियो फॉर्मेट में आपकी जो एंट्रीज आएंगी, ये इस कॉन्टेस्ट में आप हिस्सा लेंगे, ये टेलीकास्ट होंगी। आप अपने घर के जो बैठे हुए आप जिसको आप इडियट बॉक्स कहते हैं, लेकिन आजकल ये इडियट बॉक्स और नहीं रहा, नाउ इट हैज बिकम एन इन्फॉर्मेटिव बॉक्स, और इस इन्फॉर्मेटिव बॉक्स में आप खुद आपका क्रिएशन ये बहुत अच्छे तरीके से फैलने वाला है विश्व भर में। दोस्तों एक बात जाननी बहुत जरूरी है, जैसे कि आबाद जी ने कहा कि इसमें वो स्किल्स आएंगी स्पेशली उनके जो बच्चे स्टार्टअप्स के लिए सोच रहे हैं, यानी कुछ नया बिजनेस के बारे में सोचा है, कंसेप्ट के बारे में सोचा है, आप उन कंसेप्ट को, उन आइडियाज को
हम तक लिखकर भेज सकते हैं विद एंटायर मॉडल। अगर आपको मॉडल प्रेजेंटेशन अच्छे से आता है तो आप अपनी जो स्टोरी है, अपना जो प्रपोजल है, वो बहुत अच्छे तरीके से आप सजा कर हम तक भेज सकते हैं। और यही शायद प्रपोजल्स पर जिस तरीके से प्रेजेंटेशन हो रहा है उसी के ऊपर हमारे ये जो जो प्राइजेस हैं। जी जी बिल्कुल, वो जिस तरह से वो प्रेजेंट कर रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में हम देखेंगे उसको। हाँ। जज करेंगे, हमारा पैनल है जो जज करेगा किस तरह से उन्होंने स्टार्टअप को आइडिया दिया है और आइडिया में आगे कितना दम है, उसी बेसिस पे होगा। इसके अलावा और भी सर इसमें ऑप्शंस हैं, जैसे हमने फोटोग्राफिक स्टार भी रखा है एक ऑप्शन, जिसमें हम इसका जो मेन कंसर्न है कि यूपी शाइनिंग इसका एक टॉपिक है, मतलब फोटोग्राफिक स्टार हम उसी को चूज करेंगे। अच्छा, जो थीम है वो यूपी शाइनिंग है, यानी मतलब जिस तरह उत्तर प्रदेश शाइन कर रहा है, यूपी के जो डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट है या जो जिस तरह शाइन कर रहा है उसकी फोटोग्राफी कैप्चर करके जो आपको भेजना है, और उसमें 10 फोटोग्राफ्स मैक्सिमम भेज सकते हैं, उससे ज्यादा इंट्री। अच्छा, इसका कुछ एज कैटेगरी वगैरह है? हमने रखा है 20 से 21 साल तक ही मैक्सिमम, 21 हमने मैक्सिमम रखी है। लोअर एज कुछ? लोअर एज हमने 14 रखी है सर। अच्छा, मतलब 14 साल के बच्चे से लेके 20 21 साल तक के युवकों तक ये जो है युद्ध, उसमें आप शामिल हो सकते हैं, आप इसके सेनापति कुछ भी बन सकते हैं। तो अपने जो आइडियाज है उसको बहुत अच्छे तरीके से एक तो कंसेप्चुलाइज करें, उसको पेपर पे दें, उसको अच्छे तरीके से सजाएं, प्रेजेंटेशन ऐसे तैयार करें ताकि मॉडल हमें समझ में आए, उस मॉडल को हम अपने टीवी पर अपने शो में उसका चित्रण कर सकें। तो ये खासियत होगी आपके प्रेजेंटेशन क्वालिटी की। जी दोस्तों, देखिए कितनी खूबसूरती से डिजाइन चीज को यहाँ पे मिलाया गया है। यानी अब आपने पहले तो अपना प्लान डिजाइन करना सीखा, द डिजाइन ऑफ योर फ्यूचर, यहीं से शुरुआत होता है स्टार्टअप इंडिया की। बहुत खूबसूरत। इसके साथ जैसे आपने फोटोग्राफी की बात की, हमने अभी इसकी बात की कि स्किल इंडिया की बात की, स्टार्टअप्स की बात की, और क्या चीजें इसमें से है? इसके स्टार्टअप हमने करा, उसके बाद फोटोग्राफी करा, इसके अलावा हमने क्रिएटिव कंटेंट राइटर को भी हमने इसमें जगह दी। इसमें इसलिए भी क्योंकि आज की डेट में ये युवाओं को प्रतिभाएं हैं लेकिन ये निकल नहीं पाती सर। बिल्कुल सही, इसका बहुत बड़ा आज की डेट में माध्यम मुझे लगता है प्राइम टीवी बनने वाला है और करियर काउच बनने वाला है, जो कि मुझे लगता है इससे क्या होगा, बच्चे के जो क्रिएटिव कंटेंट राइट करते हैं बहुत तरह के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, तो इसमें करियर बहुत सारे ऑप्शन है। बिल्कुल सही, तो ये भी एक उसका पार्ट होगा बेसिकली। बहुत सही बात की आबाद भाई ने कि जैसे हमारा एक टीवी चैनल, और सिर्फ हमारा ही नहीं, जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल एसोसिएशंस की बात करते हैं तो हमारे से जुड़े अन्य कई चैनल्स होते हैं जो एक्चुअली इसमें प्रतिभागिता करते हैं। वो कहते हैं कि भाई उन्हें भी क्रिएटिव राइटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमारे चैनल को भी क्रिएटिव राइटर्स की दरकार होती है। बिल्कुल। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये स्किल जो है क्रिएटिव राइटिंग, वो कहीं खोता जा रहा है। क्रिएटिव राइटिंग के नाम पर हम कुछ भी लिख देते हैं और सोचते हैं वो उसका क्रिएटिव, जी नहीं। हर एक चीज को लिखने का एक एसेंस होता है, उसकी अपने कुछ वो वैल्यूज होती हैं, जो पॉइंट्स होती हैं, जिसको हम लोग पता चलता है कि क्रिएटिव पॉइंट्स उसमें है क्या, उसको कैसे इनकलकेट किया जाए, तो ये भी शिक्षा में समाहित हो सकता है। हमें देखना है कि आपका बेस कितना तगड़ा है। और इसी के साथ जो है करियर काउच और पहल इंस्टीट्यूट अपने ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आपको क्रिएटिव राइटिंग के क्रैश कोर्सेज भी अवेल कराएंगी। बिल्कुल। और यही ब्यूटी है हमारे इस कंटेस्ट का कि अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में प्रतिभा है, तो उसको चमकाने की जिम्मेदारी हमारी। और बताएं आबाद साहब, इसमें और क्या क्या चीजें आप लोग और ला रहे हैं? एक मैंने सुना था लोगो के बारे में आप कुछ बता रहे थे कि लोगो डिजाइनिंग का कुछ। बेसिकली हमने क्या, जिस तरह से उत्तर प्रदेश शाइन कर रहा है, जिस तरह हमने फोटोग्राफी में भी ये टॉपिक रखा है, हमारा थीम उसी पे बेसिस है कि न्यू यूपी के ऊपर आपको एक लोगो डिजाइन करना है। हाँ, और उसके उसको एक टैगलाइन भी आपको देनी है, जिसमें आपको न्यू यूपी की टैगलाइन क्या हो सकती है। न्यू यूपी मतलब बेसिकली जिस तरह से उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट हो रहा है, बेसिकली विद एजुकेशन और, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, एजुकेशन और, हाँ एजुकेशन में कितना बदलाव आ रहा है, जी, जिस तरह से मेहनत की जा रही है, मुझे लगता है उसके लिए ये किया जा रहा है। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं इसको थोड़े से सिंपल भाषा में आपको और समझाने की प्रयत्न करता हूँ कि जो आपका जो लोगो डिजाइन है वो दर्शाना चाहिए एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को, करियर के इम्पोर्टेंस को, आपका भविष्य किस तरीके से डिजाइन और प्लान किया जा सकता है। अगर इसको आप एक लोगो में दर्ज के दे सकें, तो
तो वो लोगो हमारे कंटेस्ट का हिस्सा बन सकती है और सबसे बेस्ट लोगो जो होगा उसमें अवार्ड प्राप्त होगा। हम अवार्ड्स के बारे में, प्राइजेस के बारे में बात करेंगे अभी आबाद भाई से, लेकिन उससे पहले हम आबाद भाई से जानना चाहेंगे, ये जो कंटेस्ट आपने कहा अब ये लोगो डिजाइन हो गया, काफी वाइड कंटेस्ट है, ऑनलाइन हो रही है, तो इसकी जो प्रतिभागिता होगी क्या इन लोगों को मतलब आना भी पड़ेगा या सिर्फ और सिर्फ नहीं ऑनलाइन है? नहीं सर, ये सिर्फ ऑनलाइन है, सिर्फ वाओ, वीडियो फॉर्मेट अच्छा चलेंगे, अच्छा ताकि बच्चों को ट्रैवल कई बार नहीं कर पाते हैं उसकी बाध्यता के चक्कर में। तो ये मुझे लगता है ऑनलाइन एक बहुत बड़ा सोर्स माध्यम होगा इसका। जी अच्छा, इसमें जो बच्चे, क्या सिर्फ बच्चे इधर से जुड़ सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी जुड़ सकती हैं, कैसे हो सकता है? अभी तक तो हमने बच्चों का ही रखा है, अगर इंस्टीट्यूशन जुड़ना चाहेंगे तो उनका वेलकम है, वो और हुनर को आगे लेके आए, हम सबका यही एक विचार है बेसिकली। बहुत खूबसूरत। आबाद भाई, अब ये हो गई कंटेस्ट, जी अब कंटेस्ट के बाद बात होती है कि जजमेंट कैसे होगा। जी जी बिल्कुल तो कुछ आप लोगों ने इसके ऊपर रखा है कि जजेस कैसे करके रखेंगे, बिल्कुल जजमेंट जो होगा उसका कितने दिनों में हम लोग इसको कर ले सर, जाएंगे? ये हमने 45 डेज का एक रखा है स्लॉग। ओके, हाँ उसमें हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे उस बीच में, क्योंकि एंट्रीज काफी एवरी रहेंगी। 45 डेज में, अभी शायद मतलब 45 डेज में पहले हमारा प्रीलिम्स पहले हाँ होगा, जी हाँ जी उसके बाद क्वार्टर फाइनल्स हाँ का जी फिर हाँ जाएगा, जी, फिर इसके हमारा मेंस में जो हमारा फिनाले होगा। फिनाले होगा। तो इसमें बेसिकली हमने कई जजेस हैं जो क्रिएटिव फील्ड से हैं, मीडिया से हैं, और जी कई एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, कई डिपार्टमेंट से लोग हैं जो हमारे पैनल में हैं, जो जजेस हैं उसमें ये हैं, ये लोग से शॉर्टलिस्ट करेंगे हमारे साथ। दोस्तों ये जो कार्यक्रम है, मैं फिर से बार बार रिपीट करता जा रहा हूं कि करियर काउच पावर्ड बाय पहल इंस्टीट्यूट, हम इस कार्यक्रम को जो सामने आपके ला रहे हैं, ये क्रिएटिविटी, द वॉर ऑफ क्रिएटिविटी जिसको कहा जा रहा है, इसकी एक एक चीजों को हमारे वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, जो कि careercouch.in पर आप जाएं, उसके ऊपर इसकी जो डिटेल्स हैं आप इसमें देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और आप हमसे संपर्क साथ साथ साध सकते हैं। आप हमसे संपर्क करें दिए नीचे दिए गए नंबरों पर, व्हाट्सएप नंबर पर, और जान सकते हैं इस कंपटीशन की डिटेल्स के बारे में। दोस्तों अब आते हैं बात कि अवार्ड्स क्या होंगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है अवध जी भाई, जी क्यों? बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि इसमें जो अवार्ड्स होने जा रही हैं वो बेसिकली आपको वाकई शाइनिंग स्टार बनाएंगी, क्योंकि ये एक तरीके से रियलिटी शो होने जा रहा है आपके साथ, बिल्कुल और इस रियलिटी शो का जब आप हिस्सा बनते हैं तो आपकी जो स्टोरी है जीतने की वो भी दर्शकों तक पहुंच पाती है। दूसरी बात, जो हमने स्टार्टअप की बात की, क्योंकि स्टार्टअप्स में करियर काउच, प्राइम टीवी और पहल, हम लोगों ने कोशिश ये की है कि सिर्फ आइडियाज को हम पुरस्कृत ही नहीं करेंगे, बल्कि उनको बूटस्ट्रैप फंडिंग से भी हम नवाजेंगे, उनको बूटस्ट्रैप फंडिंग भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो अपने स्टार्टअप को जमीनी हकीकत तक ला सकें। सपने आपके सिर्फ सपने नहीं रहेंगे। उसके बाद अगर हम फोटोग्राफी की बात करें, तो यानी एजुकेशन कोर्सेज जो हैं साथ में, वो तो सभी के साथ हैं, जो स्टार्टअप्स की भी प्लान है हम उनको भी एजुकेट कर रहे हैं, जो फोटोग्राफी चाहते हैं हमारे पास उनके लिए भी एजुकेशन प्लान्स हैं, जो डिजाइन पर जाना चाहते हैं उनके लिए एजुकेशन प्लान्स हैं, क्योंकि पहल बिल्कुल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो कि बी डिजाइन, बी प्लानिंग, बी आर्क इन सब की है तैयारी ना, करा ही इनके रहा है। सारी प्रिपरेशंस करती हैं, तो पहल इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा और जानना चाहूंगा बाकी और अवार्ड्स के बारे में, क्या हो सकता है और कैसे करके हम लोग ला रहे हैं, इसमें जो क्रिएटिविटी है उसमें और कौन से अवार्ड्स को हम लोग देखिए, सामने जिस ला। तरह से मैंने बताया फोटोग्राफी है, तो फोटोग्राफी में जो विनर होंगे हमारे, जो मतलब जब फाइनल विनर होंगे, उनको बकायदा हमने टूर दिया है और एक थीम बेस दिया है उनको करने के लिए, और उसमें कैश प्राइजेस भी हमारे साथ अवेलेबल हैं सर, दोस्तों सुनते हर रहिए, एक टूर्स कॉम्पिटिशन के लिए। जी यानी आपके इंटरनेशनल टूर्स का सपना भी पूरा हो सकता है। तो इस कंपटीशन को करते ही हल्के में मत लीजिए, ये जो कंपटीशन शुरू होने वाला है ये आपको देश विदेश घुमाएगा, और साथ में और भी कुछ था शायद, हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ आपकी 1-to-1 मुलाकात होगी। फाइनल में बिल्कुल होगी सर, जब हम फाइनल कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ वो सेलिब्रिटीज़ जो युवाओं को प्रेरणा दे सके उनको लाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बढ़िया आवाज भाई, जी सर मजा आ गया, और मैं चाहूंगा कि पहल इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे, और बहुत हमारा बहुत ये जो धन्यवाद, एसोसिएशन है बहुत करियर बहुत काउच और धन्यवाद, पहल का, ये वाकई देश विदेश में नाम करे। देखना ना भूलिए दोस्तों, टैलेंट आपके घर घर में आपको ढूंढ के निकालने आ रहा है, इस युद्ध में आप विजयी हो ना हो आप लड़ेंगे पूरे जोर से, ऐसा हमारा विश्वास है। तो देखते रहिएगा करियर काउच विद शुभांकर, एवरी संडे एट 9 PM ओनली ऑन प्राइम टीवी। गुड बाय, टेक केयर।